जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। सातवें चरण बहाली के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, जो नहीं होना था वही हो रहा। सचिवालय वार्ता, वायरल ऑडियो वीडियो के अनुसार अजीब संकेत मिल रहे हैं। रिक्ति में कमी के संकेत, जो कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग सबसे पहले कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए देख रहे होंगे, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7360 पद ही कंप्यूटर शिक्षक के, अर्थात रिक्ति में कमी के संकेत आप लोग देख रहे होंगे। जबकि कुल पद की बात करें, कंप्यूटर शिक्षक के कुल पद की बात आप लोग देख सकते हैं, 8360 पद। इसके अलावा बैकलॉग के पद होंगे, तो कुल मिलाकर काफ़ी पद हैं। 8500 से भी अधिक रिक्तियों की संख्या है कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन 7300 के करीब पद की बातें जो कि वायरल ऑडियो वीडियो के अनुसार निकलकर सामने आ रही है, जो कि अजीब संकेत हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए, रिक्ति में कमी के संकेत। और आप लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग देखे होंगे काफ़ी अधिक, जो कि बाद में स्पष्ट हुई थी। और 3 महीने के बाद आप लोग जानते हैं जो कि सभी विषय का स्पष्ट हुआ था, तो 17000 से भी अधिक हैं कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या। लेकिन आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या में जो कटौती के जो संकेत आए हैं, अजीब संकेत मिल रहे हैं। और अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अन्य सभी विषय में भी हो सकता है कि जो कि 1000 पद काट लिए जाएं, यह भी हो सकता है अन्य सभी विषय में भी। कारण है कि आप लोग देख रहे हैं जो कंप्यूटर शिक्षक के 8360 पद, जबकि आप लोग जानते हैं 1000 पद उस समय का है, 2020 के समय का है, जो कि 33916 पद में 1000 कंप्यूटर शिक्षक के उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा हाल का जो पद आप लोग देख सकते हैं 7360 पद हैं, तो कम से कम तो 8360 पद तो दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जो फिजिकल टीचर की बात करें, तो फिजिकल टीचर में आप लोग जानते हैं फिजिकल टीचर की बात आप लोग देखे भी होंगे, इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, लेकिन पद जो कि आप लोग जानते हैं सभी पद पर बहाली के लिए आवेदन लिए गए थे, अर्थात 8386 पद के लिए आवेदन लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो इसमें पद की जो कटौती है वो कि अजीब संकेत ही कहा जा सकता है। अब ऐसे में जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं क्या करें, तो यह भी बातें हैं आगे स्पष्ट करने वाले हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो इससे पहले आप लोग जो अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें भी हो सकता है जिसमें बातें की हैं कि जो 8000 के आसपास जो पद के बारे में बताए हुए हैं, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, इसके अलावा गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इसके अलावा सोशल साइंस उसे हो गया, तो 8000 पद और उसमें भी बातें किए थे प्लस माइनस 1000, तो हो सकता है कि जो 1000 पद उसमें भी कटौती कर लिए जाएं, तो ऐसे में 7000 ही होते हैं। लेकिन सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर यदि प्रयास करते हैं तो रिक्तियों की संख्या बिल्कुल ही सभी विषय में बढ़ सकती है। तो वही बातें हैं सभी विषय में, तो आप लोग रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक देख रहे होंगे, लेकिन सरकार इतने पद पर बहाली करे तब तो, लेकिन अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है जिससे संपूर्ण पदों पर, सभी पदों पर बहाली हो, संपूर्ण बहाली हो, तो यह भी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे यहां पर सबसे पहले आप लोग देखें, तो यहाँ पर देख रहे होंगे वायरल वीडियो में यह भी कहा जा रहा है, तो आप लोग भी सुने होंगे वायरल वीडियो में यह भी कहा जा रहा है सरकार के पास 1 लाख पद हैं, 1 लाख पद रिक्त रहे पर 10000 पद ही निकालेंगे। यह बताया जा रहा है कि सरकार के पास 1 लाख पद रिक्त रहे पर 10000 पद ही निकालेंगे, तो उसी पर न आवेदन करेंगे अभ्यर्थी के बारे में कहा जा रहा है। तो इससे में आप लोग समझ सकते हैं कि जो सरकार के पास लाखों लाख पद खाली रहे, लेकिन अभ्यर्थी से जो आवेदन भी कम ले, तो इससे में बात करें तो सबको जरूरत है, जो भी गरीब छात्र छात्रा हो उसको भी शिक्षक की जरूरत है, और जो अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी को भी नौकरी की जरूरत है, तो इससे में संपूर्ण बहाली ही सबसे अहम है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी अभ्यर्थी स्टेट
2011 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट 2011 और से लेकर 2019 के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं, और स्टेट 2011 अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे इसमें, तो यह भी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, और स्टेट 2019 के लिए आप लोग देख सकते हैं जो कि सभी अभ्यर्थी स्टेट 2011 से लेकर 2019 आठ वर्ष इधर हो गया, और स्टेट 2019 से 2023 इधर भी चार वर्ष, तो अर्थात 12 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं अधिक से अधिक स्टेट अभ्यर्थी को नौकरी मिले, यह भी चाहिए कि, तो यह बातें हैं। 12 साल से अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में चाहिए कि जो अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होती है, संपूर्ण बहाली होती है, सभी पदों पर बहाली होती है, तो अच्छी खबर होगी तमाम जो भी सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी के लिए। यह भी चाहिए कि जो सभी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई के लिए सभी छात्र छात्रा को सभी विषय के शिक्षक मिले, तो इसीलिए सभी पदों पर बहाली होनी चाहिए, तो यह भी बातें हैं। अब आगे कुछ बातें कर लेते हैं, अभ्यर्थी का क्या प्रयास होना चाहिए, तो अभ्यर्थी का तो यही प्रयास होना चाहिए कि जो सभी पदों पर बहाली हो, तो यह तो बात है ही। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो सातवें चरण के अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 12 वर्ष, स्टेट 2019 की बात करें तो 12 वर्ष से अभ्यर्थी लगातार लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी की जो उम्र की भी हो सकता है, जो कि उम्र भी समाप्त होने को हो, और आप लोग इधर भी जो कि आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि जो कि वीडियो में जिसमें यह बताया गया था कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा की जो उम्र के बारे में उम्र बढ़ाया जाए और आवेदन किए हैं, और उम्र भी हो सकता है अभी के अनुसार 4 वर्ष बीत गए हैं, तो उम्र भी समाप्त भी हो गए होंगे, तो यह भी बातें हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ। स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, तो यह बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ में गिरावट के लिए भी चाहिए कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़े, सभी पदों पर बहाली हो, तो कट ऑफ में गिरावट के लिए भी यही चाहिए, सभी पदों पर बहाली हो। और इसके अलावा कट ऑफ में गिरावट के लिए और भी उपाय हैं, एक है कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़े, सभी पद पर बहाली हो, दूसरी बात कि जो लिंक के बारे में बताए हुए हैं कि जो स्टेट 2019 का जो आवेदन है एप्लीकेशन है उसको लिंक किया जा सकता है 7th फेज 7वें चरण ऑनलाइन एप्लीकेशन से, ऑनलाइन अप्लाई जो होंगे उससे लिंक किए जा सकते हैं, अर्थात 7th फेज और स्टेट 2019 एप्लीकेशन को लिंक किया जा सकता है दोनों को, जिससे सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक जो कि अपने आप फिल हो जाएंगे, और कुछ डिटेल्स ही देने होंगे, जैसे कि हो गया जिले का चॉइस, ये सब देने होंगे, तो जिले का चॉइस हो गया, तो वही बात है जो कि इकाई जो आप लोग जानते हैं 38 इकाई, पहले 9000 से भी अधिक थे इकाई, तो इसको कम कर दिया गया है, तो 38 इकाई के लिए जो बातें हो रही हैं, तो सभी जिले का चॉइस का ऑप्शन, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन, तो यही दो बातें किया जाए और सभी डिटेल्स अपने आप आ जाएँ, तो यह होता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच होती है, तो इस समय कट ऑफ में भारी गिरावट के संकेत मिल सकते हैं, तो यही बातें हैं, और अधिक से अधिक की लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।